हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के दौसा से एक और बड़ी घटना सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, झोला छाप बंगाली डॉक्टर ने इलाज के नाम पर महिला को खत्म कर दिया। महिला खांसी जुकाम की दवा लेने आई थी, क्लिनिक पर मौजूद युवक ने एक एक करके 2 इंजेक्शन लगा दिए, इससे महिला की हालत और ज्यादा बिगड़ गई और दर्द के कारण महिला ने अंतिम सांस ली। जाँच के लिए उसे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टर ने उसे घोषित कर दिया। घटना के बाद वहाँ से झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। महिला के पिता ने आरोपी के खिलाफ दौसा के मडावली थाने में FIR दर्ज कराई है। मामला लालसोट उपखंड के बनोरी गाँव का है। बनोरी निवासी चौथमल बैरवा ने बताया कि उनकी बेटी ममता की शादी गंगापुर सिटी के पास पारिता के पास में हुई थी। वह रक्षाबंधन के बाद ससुराल नहीं गई थी। कुछ दिनों से सर्दी जुकाम की शिकायत थी। घर से पैदल चलकर सुभाषीष विश्वास की क्लिनिक पर गई थी। झोला छाप डॉक्टर के भतीजे ने देखते ही देखते 2 इंजेक्शन लगा दिए। इसके बाद महिला अचेत हो गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर झोला छाप डॉक्टर और परिजन लालसोट अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर ने झोला छाप से इंजेक्शन के बारे में पूछा और इसके बाद घोषित कर दिया। वहाँ से तुरंत ही झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। इसी दौरान मंडावरी थाना प्रभारी रामपाल ने बताया है कि बिना डिग्री के क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर झोला छाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि झोला छाप डॉक्टर के संपर्क में न आए। इस खबर के माध्यम से आपको सचेत किया गया है न कि बिजली, ताकि खुद के साथ घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।